अभी हम संख्या पर आधारित प्रश्नों को करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि संख्याओं को किस तरह से विभाजित किया गया, बांटा गया है। मतलब जैसे कि हम किसी भी संख्या को, किसी भी चीज की गणना, किसी भी वस्तु को गणना करने में उपयोग करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे प्राकृत संख्याएं कह दिए हैं, नेचुरल नंबर। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 इन्फिनिटी तक जाता है। मतलब इन संख्याओं को हम किसी भी वस्तु की गणना करने में उपयोग करते हैं। और जिस संख्या को हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं रेशनल नंबर्स, परिमेय संख्याएं। तो अब देखिए कि पी बटा क्यू के रूप में किसको लिख सकते हैं? 5/6, 8/10, 9/5 और इत्यादि होंगे। और जिनको पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उसे कहते हैं अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर्स। तो जैसे इसके उदाहरण हो जाएंगे √2, √3, π। इनको पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, इस तरह से इनको नहीं लिखा जा सकता, इसीलिए इनको हम कह दिए हैं अपरिमेय संख्याएं। और ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाए, जिन्हें 2 से विभाजित किया जा सकता है, उन्हें कहते हैं सम संख्याएं। तो जैसे 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं क्या है? 2, 4, 6, 8, आगे तक जाएगी, ठीक है। तो इन सारी संख्याओं को हम कहते हैं सम संख्याएं, इवन नंबर्स। और जो 2 से विभाजित नहीं होते, उन्हें कहते हैं विषम संख्याएं, ऑड नंबर्स। तो ऑड नंबर क्या होंगे? 1, 3, 5, 7 इत्यादि। अब देखते हैं भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। ऐसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा और किसी दूसरे संख्या से ही विभाजित हो जाए, एक और अपने आप से अलावा और किसी दूसरे संख्या से पूर्ण विभाजित हो जाए, उसे भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, 5। 5 को आप देख रहे हैं, तो 5 एक से विभाजित हो सकता है, पूर्ण विभाजित 5 से हो सकता है, और किसी भी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं हो सकता है, तो यह भाज्य संख्या नहीं हुआ। लेकिन 10, 10 को हम एक से विभाजित कर सकते हैं, 2 से भी विभाजित कर सकते हैं, 5 से भी कर सकते हैं, और 10 से भी कर सकते हैं। मतलब एक और खुद, ये दोनों के अलावा 2 और 5 से विभाजित हो रहा है, तो इसे हम भाज्य संख्याएं कह सकते हैं। तो हमारे भाज्य संख्या में क्या क्या आएगा? जैसे कि 4 को हम कर सकते हैं विभाजित, 5 को नहीं कर सकते हैं, 6 को कर सकते हैं, 7 को नहीं कर सकते हैं, 8 को कर सकते हैं, 8 को, 9 को कर सकते हैं, 10 को कर सकते हैं, इत्यादि होंगे भाज्य संख्याएं। और अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? जिसको हम, जिस संख्या को हम जो खुद एक और खुद से विभाजित हो सिर्फ, और किसी और संख्या से विभाजित ना हो। जैसे मैं 5, एक खुद से विभाजित होगा और एक से विभाजित होगा। 7 किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होगा, एक और 7 के अलावा किसी और से विभाजित नहीं होगा, इसे कहते हैं हम अभाज्य संख्याएं, इत्यादि। पूर्ण संख्याएं, ये जो प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है, उसमें आप 0 लगा दीजिए, 0 जोड़ दीजिए, तो ये पूर्ण संख्याएं बन जाएगी। 1, 2, 0, 1, 2, 3, ये सारे पूर्ण संख्याएं हो गए। पूर्णांक संख्याएं किसे कहते हैं? पूर्णांक संख्याएं, तो इसकी उदाहरण है कि आप जब संख्या को लिखते हैं, तो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याओं को अगर साथ में लिख लीजिए, लिखा जाए, उसे पूर्णांक संख्याएं कहते हैं, जिसमें दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है। जैसे -1, 0, 1, 2 ऐसे करके इन संख्याओं को हम कहते हैं पूर्णांक संख्या, इंटीजर्स, इंटीजर नंबर्स। जातीय मान, नैज मान और अंकित मान सभी एक होते हैं, इनको इंग्लिश में इंट्रिंसिक वैल्यू कहा जाता है। और स्थानिक मान या फिर स्थानीय मान, जिसको लोकल वैल्यू कहा जाता है, दोनों एक होते हैं। तो अभी हम को देखना है कि ये क्या होते हैं और ये क्या होते हैं। तो जैसे कि किसी भी संख्या हम ले लेते हैं, 8, 5, 9, 6, 3, 2। अगर इसमें मुझे बोला जाए कि तुम इसका जातीय मान निकालो, जैसे कि बोला जाएगा, मुझे क्वेश्चन दिया जाएगा कि 5 का जातीय मान निकालो, तो 5 का जातीय मान होगा 5 इकाई। जबकि अगर 5 का स्थानीय मान निकालने बोला जाए, 5 का स्थानीय मान, तो उसका हो जाएगा 5, 5 का कितना है? 1, 2, 3, 4, तो 4 0। इसकी स्थान गिनी जाती है स्थानीय मान निकालने के लिए, जैसे 8, 5, 9, 6, 3, 2 ये है। तो हम जो मेरा खाने वाला, खाना खाने वाला हाथ है दाहिना साइड, उस तरफ से हम स्थान गिनते हैं। तो इसका पहला स्थान देते हैं, इसको दूसरी स्थान, इसको तीसरी, इसकी चौथी, इसको
पांचवें स्थान, तो ये पांचवें स्थान पे है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 50,000 हो जाएगा इसका स्थानीय मान। तो इतना तो समझ में आ गया कि जातीय मान और स्थानीय मान क्या होता है। किसी भी और दूसरा नंबर को ले लेते हैं, जैसे लिख लेते हैं 5, 8, 9, 8, 9, 6, 5। इसमें मुझे बोला जाए कि 9 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 9 इकाई, ठीक है। 9 का जातीय मान क्या, 9 का स्थानीय मान 9,900, 9 का जातीय मान 9 इकाई, ये हो जाएगा। इसमें भी अगर हमको 8 को बोला जाएगा, 8 का जातीय मान निकालो तो 8 हो गया, 8 का स्थानीय मान निकालो, 8 के बाद कितना है, 2, 4, 5, 5, 0, ये हो गया। भाज्यता की जांच ये है, आप खुद से कर लीजिएगा, इसको आप खुद से पढ़ लीजिएगा, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं पढ़ाने को, इसलिए मैं नहीं पढ़ा रहा हूं। अगर आप कुछ ट्रिक्स देख लेते हैं, तो अगर किसी भी संख्या को 5 से भाग देना हो तो आप क्या कीजिएगा, देखिए जैसे कि 4, 3, 2 / 5, अगर इसको हम 5 से मुझे भाग देना है तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं 5 से भाग नहीं दूंगा, इसको मैं इस तरह से लिखता हूं 4, 3, 2 / 5, मैं ऊपर 2 से गुना करूंगा और नीचे 2 से गुना करूंगा, तो ऊपर 2 से गुना करने पे 2 × 4, 3 × 6 और 4 × 8, और नीचे गुना करने से 10 हो गया। अब 10 से इसको इजीली भाग दिया जा सकता है, इसको करेंगे तो कितना आएगा, 86.4, बहुत आसान हो गया। इसको भाग, इससे इसको भाग देने में थोड़ा डिफिकल्ट होता, तो उसी तरह से किसी और कोई कोई और संख्या को ले लेते हैं, 9, 6, 5, 8, 3, अब इतना बड़ा संख्या है जिसको 5 से भाग देना है हमको, टाइम लगेगा, उससे अच्छा है कि हम 2 से गुना कर लेते हैं ऊपर नीचे, तो ऊपर नीचे गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 9, 6, 5, 8, 3, 5/5 × 2 × 2, इसको गुना करते हैं 3 × 6 = 8 × 16 = 17 / 5 × 10 = 11 / 6 × 12 = 13 / 9 × 18 = 19 / 10, अब इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 317.6, ये उत्तर हो जाएगा। 5 से आप इसको भाग दीजिएगा तो वही आएगा। अब देखते हैं आगे, अगर आपको 5 से नहीं अब 25 से गुना भाग देना है, और बड़ी संख्या ले लेते हैं, तो 25 से अगर भाग देना है तो मान लेते हैं 8, 2, 5, 3, 6, इसको अगर 25 से आपको भाग देना है तो आपको 25 का पहाड़ा याद रहेगा तब होगा, 25 का पहाड़ा हमको याद नहीं, क्या करेंगे, तो इसको हम 25 में ऐसा गुना करेंगे कि नीचे 100 आ जाए, 10th के मल्टीपल में आ जाना चाहिए। तो देखिए 2, 5, 3, 6 / 25, इसको हम 4 से गुना कर देते हैं, ऊपर भी 4 से गुना कर दिए, अब 4 से गुना करेंगे इसको, 6 × 24, 4 × 3 = 12, 13 = 14, 5 × 20 = 21, 4 × 8 = 10, 8 × 32 = 33, अब इसको अगर 25 × 100 क्या हो गया, ये 3301.44, बहुत आसानी से हो जाएगा, बहुत आसानी से डिवाइड हो। तो अगर किसी संख्या को बोला जाए कि 125 से भाग दो, जैसे कि ये संख्या है 14, 23, 125 से भाग देना है, तो हम 125 से थोड़ी ना भाग देने जाएंगे, इसको बहुत टाइम लग जाएगा भाग देने जाएंगे, तो उससे अच्छा है 14, 23 को हम 125 है इसको इस तरह से लिख दिए, इसको हम 8 से गुना कर देते हैं ऊपर नीचे, अगर इसको 8 से गुना करते हैं तो 1000 आता है, 1000 नीचे हो गया, ठीक है। अब इसको गुना कर दिया 8 से, 8 × 3 = 24 = 4, 8 × 16 = 17, 18, 8 × 32 = 32 + 1 = 33, 8 × 8 = 8 और 3 कितना हो जाएगा, 11, ये हो गया मेरा। अब इसको आराम से लिख सकते हैं ना, इसको डिवाइड कर देंगे 1000 से, इसको डिवाइड करने कितना आएगा, तो 11.384, ये हमारा उत्तर आ जाएगा, ये बहुत इजी हो जाएगा।